नमस्कार मित्रों, धीरज जी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जानते हैं योग में उन्होंने क्या नया अनुभव शुरू किया। धीरज जी, आपने जल्द में ही योग शुरू किया है, आपको कैसा लगता है? नमस्कार जी, जब से मैंने योग करना शुरू किया है जी, तब से मुझे एक नयापन सा महसूस हो रहा है और मुझे कुछ गुस्सा भी आता है अपने आप पर। तो पहले ये बताइए जी, आपको नए मन में क्या अनुभव हो रहा है? अजीब सा लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी बात कैसे बयां करूं। अब मैं पहले से प्रसन्न रहने लगा हूं और शरीर फुर्तीला रहने लगा है और भक्ति की तरफ भी रुझान मेरा बढ़ने लगा है और पहले से कुछ गुस्सा भी कम हुआ है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब मेरी सहनशीलता बढ़ने लगी जी। ये तो होता है जी। अभी आप कह रहे थे कि खुद पर गुस्सा आता है, क्या कारण है इसका? वो क्या है कि मुझे पहले चिड़चिड़ापन होता था और कभी कभी मुझे परेशान भी होता था और मैं ये सोचता था कि मैंने ये योग पहले से शुरू किया जी। लेट हो पैसा टाइप कर लगेगी। कहाँ से आए भैया? ढोलपुर से आए। अच्छा भैया, ढोलपुर का टाइम अभी 1 घंटे का और है, ढोलपुर 1 घंटे बाद चला जाओ टिकट, ठीक है ना? हम पियोगे बताइए थोड़े। हाँ तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद सप्लाई करा दूंगा, ठीक है भैया? ठीक। अच्छा तो ये बात है जी। अच्छा ये बताइए, पहले आपने एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया, जैसे कि आजकल दौड़ लगाने का क्रेज चल रहा है? जी बहुत किया। वो क्या है कि मेरा एक सपना था कि मैं आर्मी के अंदर भर्ती होने का जी। बहुत अच्छा किया। और मैं अपने मन के मुताबिक तरह तरह के एक्सरसाइज भी किया करता था जी। दौड़ भी लगाते हो? जी काफी लगाई। जब आप ये सब करते थे जी तो कुछ लाभ दिखाई पड़ता था? हाँ जी, पूरा लाभ। इस लाभ और इस लाभ में आपको क्या अंतर नजर आया? जब मैं वो सब करता था तो मेरा पूरा ध्यान आर्मी की तरफ रहता था, उठते बैठते खाते पीते हर समय आर्मी ही नजर आती थी। तो चलिए ये तो ठीक है, मिलिट्री के जवानों के हौसले के कारण ही यहाँ हम अपने मन के राजा बने बैठे। अब योग करने से मेरे मन का बदलाव हुआ है। अच्छा, मन में बदलाव सब हुआ जी। और वो ध्यान भक्ति की ओर ज्यादा प्रसन्न रहने लगा है। भक्ति की ओर जुड़ गया? जी जुड़ गए हैं आप भक्ति की ओर जुड़ गए जी। तो धीरज जी जी, अभी आप निजी जीवन चर्या के लिए क्या कर रहे हैं? यानी जी, मेरा पहले मन था कि मैं आर्मी के अंदर जाकर देश की सेवा करूं, अब मैं आइडल में हूं और पूरे मन के साथ लोगों की सेवा कर रहा हूं। हमने जाना धीरज जी से उनकी जुबानी, उनके अनुभव। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।